गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। गाइस इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं वीएफ वीडियो एडिटर पे आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और अपने वीडियोस को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है, एक पैसा नहीं देना आपको इस वीएफ वीडियो एडिटर के कोर्स के लिए। और गाइस इस कोर्स को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो फटाफट से प्लीज सपोर्ट करना और नीचे जाके जरूर से सब्सक्राइब कर दो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दो। सो गाइस इस कोर्स को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं और कमेंट में जरूर बताना ये कोर्स आपको कैसा लगा, ताकि आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे आपको ऐसे फ्री कोर्सेस लेके आऊंगा और प्लीज सपोर्ट जरूर कर देना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो आता है हाउ टू इंस्टॉल दी वीएन वीडियो एडिटर ऐप। गाइस अगर आप प्ले स्टोर में यूजर है तो आप प्ले स्टोर से वीएन वीडियो का डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आईपैड पे आपको पूरा चीज समझाने वाला हूँ, तो मैं ऐप स्टोर से वीएन वीडियो एडिटर को यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। आप चाहे तो अगर आपके पास मैकबुक है तो आप मैकबुक पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी वीएन वीडियो एडिटर डाउनलोडेड है, और अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आप इसको अपडेट कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पे आप इसको अपडेट कीजिए। मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, डाउनलोडेड है, तो मैं अब वीएन वीडियो एडिटर को ओपन करूंगा। गाइस नेक्स्ट थिंग आते हैं हाउ टू इंपोर्ट द वीडियोस ऑन वीएन वीडियो एडिटर। गाइस आप जैसे वीएन वीडियो एडिटर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। गाइस आपको यहां पर प्लस साइन दिख रहा है, इस प्लस साइन पर आपको क्लिक करना है और यहां पर प्रोजेक्ट्स रिमेनिंग आ रहे हैं। गाइस आप इसके अंदर अराउंड 99 to 100 प्रोजेक्ट्स फ्री में एडिट कर सकते हैं, और गाइस ये काफी 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 ज्यादा होता है। आप बस कोई भी एडिट कीजिए वीडियोस, उसको डिलीट कर लीजिए और वापस उसको एडिट कर सकते हैं, तो हमें इसका सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब इंपोर्ट कैसे करें वीडियो, गाइस न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप वीडियो पे सेलेक्ट कर ले तो वीडियोस आप एडिट कर सकते हैं, फोटो पे आ जाइए अगर लाइव फोटो है, मेमोरी जगह कुछ भी है आपको, या फिर ऑल में आ जाइए तो इसके अंदर वीडियोस फोटोज सारी देखने को मिल जाएगी। सो गाइस मैं आपको एक रील एडिट करके बताऊंगा इसके अंदर कि हम रील कैसे एडिट कर सकते हैं वीएन वीडियो एडिटर के अंदर। सो गाइस आप इसके अंदर कुछ भी एडिट कर सकते हैं, मैं आपको रील एडिट करके बता रहा हूँ। आप सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करके आप कोई भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर हम सबसे पहले कोई एक रील सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं दो वीडियो को इंपोर्ट करूं, तो आपको कोई भी दो, मैंने जैसे ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया। सो गाइस मैंने इन दोनों वीडियोस के ऊपर क्लिक कर लिया है, तो अब मैं नीचे आप एरो देख सकते हैं ब्लू कलर में, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियोस जो है वो वीएन वीडियो एडिटर की टाइमलाइन पे अपलोड हो चुके हैं, गाइस आप देख सकते हैं। सो गाइस ये तो था हमने वीडियो को कैसे इंपोर्ट किया है। गाइस नेक्स्ट बात जो आती है वो आती है हम वीडियोस को ट्रिम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि गाइस मैं आपको पहली चीज बता देता हूं, आपने वीडियोस को इंपोर्ट किया है तो ये लास्ट में वीएन में एंडिंग टेम्पलेट आती है, आप इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। आपको नहीं चाहिए वीडियो में क्लिक कीजिए इसके ऊपर और यहाँ डिलीट कर दीजिए, ये रिमूव हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हम वीडियोस को हम ट्रिम कैसे कर सकते हैं, स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं ये मेरी रील है, अब मेरे को इतना सा ही वॉकिंग डिस्टेंस चाहिए, तो मैं अब क्या करूंगा इसके ऊपर मेरे को जैसे इतना ही चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसा कि एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ऑटो कैप्शन और बहुत सारे। सो गाइस मैं क्या करूंगा यहां पर इसको स्प्लिट पे क्लिक करूंगा, तो स्प्लिट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो पूरी वीडियो फ्रेम थी ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। सो गाइस मैंने इसको इतना सा डिवाइड कर दिया है और ये मैंने इसको इतने में डिवाइड कर दिया है। अब गाइस मेरे को यहां पर भी एक और स्प्लिट मारना है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर क्लिक करूंगा स्प्लिट। अब गाइस मैंने इतना स्प्लिट कर दिया है, अब गाइस मेरे को ये जो पार्ट है ये वाला, ये पार्ट मेरे को नहीं दिखाना है, मेरे को बस यहां तक करना है, तो एक और स्प्लिट मारता हूं और यहां से ये मेरे को पार्ट नहीं दिखाना है, तो यहां स्प्लिट मार के इस पे वापस क्लिक करता हूं जो पार्ट मेरे को नहीं दिखाना है, और मैं यहां पर आप देख सकते हैं डिलीट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये फ्रेम डिलीट हो चुकी है। सो गाइस मैंने ऐसे कर करके स्प्लिट किया इस वीडियो को, और वीडियो को स्प्लिट करके और जो चीज मुझे नहीं चाहिए थी उसको मैंने डिलीट कर दिया। सेम प्रोसेस मैं आपको इसमें बता देता हूं, जैसे कि मुझे इतना ही चाहिए, अब ये आगे का पार्ट मेरे को इतना चाहिए
और ये पार्ट मेरे को नहीं चाहिए, तो इतना पार्ट मैंने ट्रिम किया और मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। तो ये जो है मैं ट्रिम और स्प्लिट करके मैंने इस पूरे वीडियो को एक सिंक्रोनाइज कर दिया है। सो आप ऐसे ही इन वीडियोस को ट्रिम कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं और जो पार्ट आपको चाहिए आप उसको एडिट कर सकते हैं और उसको सही चीज में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। गाइस अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, वो आता है हमारा ट्रांजिशंस, जो कि बहुत होता है हमारे इंपॉर्टेंट होता है हमारे वीडियोस के अंदर। ट्रांजिशंस हम कैसे सेट कर सकते हैं गाइस, जैसे कि मैंने अभी इसको ट्रिम किया था, स्प्लिट किया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे को ट्रांजिशन लगाना है, तो मैं यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं प्लस साइन पे क्लिक करूंगा गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा साउंड आ रहा है, तो मैं साउंड बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस प्लस साइन पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रांजिशंस हो चुके हैं। जैसा कि मैं चाहूं तो मुझे ये जूम चाहिए, तो जैसे जूम करेंगे इस तरह हो जाएगा। अभी हम मैं चाहता हूं मेरे को स्लाइड करना है तो ये स्लाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं चाहता हूं मेरे को ये पिक्सेलेट ट्रांजिशन में चाहिए तो मैं इस तरह कर सकता हूं। अगर मेरे को चाहता हूं मैं हॉरिजॉन्टल में ले लूं, मैं चाहता हूं इसको वर्टिकल के अंदर ले लूं, मैं चाहता हूं इसको शेक करूं, तो गाइस इसके अंदर काफी ज्यादा ट्रांजिशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और ड्यूरेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, कितना आपको लेना है कितना आपको कम करना है। तो मैं यहाँ 0.1 ले लेता हूं और यहाँ पर टिक पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही टिक पे क्लिक करूंगा तो वो ट्रांजिशन जो है मेरा सेट हो चुका है। मैं प्ले करके आपको बताता हूं, आपने देखा। अब मेरे को यहां पर भी एक ट्रांजिशन चाहिए, तो सेम ट्रांजिशन मैं चाहता हूं मैं इस पे यहां पे लगाऊं ये पुश वाला। अब मेरे को चाहता हूं मैं यहां पर एक चाहिए, तो मुझे एक ये चाहिए यहां पे जूम वाला। सो गाइस ये तीन ट्रांजिशन मैंने लगाए हैं। अब आप देखिए वीडियो कितना इंटरेस्टिंग बन चुका है और कैची बन चुका है। यहां पर एक ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन। सो गाइस इस तरह आप जितने चाहे उतने ट्रांजिशन आप लगा सकते हैं और आप अपने वीडियो को बहुत ही कैची और एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट दे सकते हैं। गाइस नेक्स्ट थिंग आती है हमारे वीडियो के अंदर जो कि काफी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आता है हमारा म्यूजिक। हमें म्यूजिक कैसे इंपोर्ट करना है और हम कैसे इसके अंदर डाल सकते हैं, तो हम वो चलिए सीखते हैं। गाइस यहाँ पर टाइमलाइन पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही फर्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है हमारा टैप टू ऐड म्यूजिक। गाइस इस पे आप क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन आते हैं हमारे पास, एक आता है म्यूजिक, एक आता है साउंड इफेक्ट्स और एक आता है हमारा रिकॉर्ड। अब गाइस अगर आपको म्यूजिक एडिट म्यूजिक डालना है तो आप म्यूजिक पे क्लिक करिए और म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास ऑलरेडी म्यूजिक है और आपको वो डालना है तो आप मोर पर क्लिक करके फाइल ऐप आप देख सकते हैं। हर एक डिवाइस के अंदर अलग है, iOS के अंदर ये कुछ ऑप्शंस है, एंड्रॉइड के अंदर कुछ और ऑप्शंस आ सकते हैं। तो मैं फाइल पे क्लिक करके गाइस यहाँ पर मैं म्यूजिक पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ डालना चाहता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सा म्यूजिक, तो मैं इसको सेलेक्ट करके और ये सारे सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं ऑलरेडी इनको सेलेक्ट कर चुका हूँ। सो गाइस मेरे पास ही इतने सारे म्यूजिक ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आप ये प्रोसेस फॉलो करके इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि मेरे को कोई भी म्यूजिक लेना है तो गाइस मेरे को ये म्यूजिक लेना है इस नए इस वीडियो के ऊपर, तो गाइस मैं इसको यहाँ पे यूज पे क्लिक करूंगा। अब यूज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे वॉल्यूम सेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ से आपको वीडियो के लिए म्यूजिक चाहिए, वो टाइमलाइन आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। जैसे कि मेरे को 3.6 लाइन से चाहिए और यहाँ नीचे टिक पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे कि मैंने यह टिक किया है सो गाइस मेरा जो म्यूजिक सेलेक्टेड था वो मेरी टाइमलाइन के ऊपर आ चुका है। मैं प्ले करता हूँ, तो गाइस ये कुछ ट्रांजिशंस के साथ काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है। मैं आपको ये वीडियो एडिटिंग के पर्पस से सिखा रहा हूँ पूरी की पूरी चीज। सो गाइस आप इसको अच्छे से देखिए। अब हमने इस म्यूजिक एडिट कर लिया है, अब गाइस हम चाहे तो इसके अंदर कुछ साउंड इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि साउंड इफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर काफी साउंड है, जैसे कि ये कुछ साउंड्स है। अगर हमें मशीन के साउंड्स चाहिए, कीबोर्ड, काफी इंटरेस्टिंग से साउंड है, व्हीकल्स के, बाइसिकल के चाहिए, साइरन चाहिए, तो कई हम इसको काफी ज्यादा एडिंग ऐड कर सकते हैं म्यूजिक को और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इस वीडियो।
गाइस नेक्स्ट बात आती है हमारी, वो आती है वीडियो का ओवरले हम कैसे कर सकते हैं, मतलब हम इस वीडियो के ऊपर भी कुछ हमें एक और वीडियो चाहिए तो वो हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। आपको कुछ नहीं आगे जाना है थोड़ा सा, जैसे कि मेरे को यहाँ पर एक वीडियो और चाहिए, सो मेरे को यहाँ क्लिक करना पड़ेगा गाइस स्टिकर पे। अब यहाँ मैं ये जो ऑप्शन है टैप पर स्टिकर और पीआई पे, इस पर क्लिक करने के बाद स्टॉक्स में जाना है। स्टॉक्स में जाने के बाद अगर आपको कोई फोटो एडिट करनी है तो फोटो डाल सकते हैं, वीडियो लगाना है तो वीडियो लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे को एकदम कोई भी वीडियो अच्छा लगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये वीडियो एडिट करूँ, सो मैं आपको ये इतना सा, जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं मेरे को ये इतना चाहिए, तो मैं इस पर यहाँ क्लिक करता हूँ। सो ये डायरेक्टली आपके वीडियो के ऊपर एक और वीडियो आ चुका है गाइस। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ गाइस, कैसे ऐड कर सकते हैं, बाकी जो आपको करना है ना करना वो आपके ऊपर है। मैं आपको ये बेसिक चीज बता रहा हूँ इस वीडियो एडिटिंग कोर्स में, आप कैसे कोई चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको कैसे एडिट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सबकी एक पर्सनल चॉइस होती है अलग अलग गाइस। अब इसको आप क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अगर प्ले करते हैं तो ये इस तरह आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसको यहाँ पे क्लिक करके ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं और ये यहाँ पर पूरा वीडियो के ऊपर आ जाएगा। तो आप वापस प्ले करते हैं तो इस तरह का आ चुका है, तो लग रहा है गाइस कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये ऊपर लेके आ गए, तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि हमने आगे ट्रांजिशन लगा रखा है। तो ये आ गया, ये आ चुका है, तो इससे आप कुछ कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग सा वीडियो बना सकते हैं। तो ये इस तरह आप यहाँ पर वीडियो को ओवरले कर सकते हैं और वीडियोस को ऐड कर सकते हैं और इसी की जगह आप फोटोज को भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज मैं आपको गाइस बताता हूँ, हम वीडियोस के अंदर स्टिकर्स कैसे डाल सकते हैं। गाइस कुछ नहीं, जैसा आपको यहाँ पर तो स्टिकर डालना है तो यहाँ पर आपको वही टैप पे स्टिकर पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप बहुत सारे स्टिकर्स देख सकते हैं गाइस, बहुत सारे हैं। जैसा कि मेरे को यहाँ शेप लेना है तो मैं ये सर्कल पे यहाँ कर सकता हूँ ये। अब मेरे को एक और डालना है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे को ये बल्ब डालना है तो मैं यहाँ बेल भी कर सकता हूँ। और आप इसको इंटरेस्टिंग सा भी बना सकते हैं, जैसे कि आपको इस सर्कल के अंदर एक बल्ब डालना है तो आप इसको बड़ा कर लीजिए और यहाँ पर इस बल्ब को फिट कर लीजिए। सो गाइस इस तरह आप कुछ इंटरेस्टिंग सा आप बना सकते हैं इनको, स्टिकर्स को डाल के, या फिर कुछ अगर आप क्रिएटर हैं आपको सब्सक्राइब का जो आता है वो, या नोटिफिकेशन बेल आइकन, या फिर आपको फॉलो करना है, तो काफी सारे यहाँ पे स्टिकर्स है जो आप उनको यूज करके कर सकते हैं और आपको वीडियो में डाल सकते हैं। तो गाइस मैं आपको ये जैसे बता रहा हूँ इस तरह आप कर सकते हैं, और यहाँ पर ही आप कोई एक म्यूजिक भी डाल सकते हैं, जैसे कोई बेल रिंग हो या कुछ, जो कि इस बल्ब के जो इग्नाइट हो रहा है उसको आप कुछ म्यूजिक के साथ ऐड करके इंटरेस्टिंग सी चीज बना सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे स्टिकर्स को ऐड कर सकते हैं वीएम वीडियो एडिटर के अंदर। गाइस नेक्स्ट थिंग जो आती है हमारी वीडियो के अंदर वो आता है हमें टेक्स्ट राइट करना। अगर हमें कुछ लिखना हो तो भाई हम कैसे कर सकते हैं ये चीज हमें बताओ। सो गाइस आपको यहाँ पर टैब पे और सबटाइटल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर तीन तरह के ऑप्शन है, टाइटल टेम्पलेट एसआरटी फाइल्स। जैसे कि मेरे को यहाँ टाइटल टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बनी चीज पूरी अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि गाइस आप कोई व्लॉग बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, या कोई वीकली व्लॉग डालते हैं तो आप इस पे क्लिक कर लो। अब यहाँ वीकली व्लॉग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक तो टिक करना है, तो ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आपको यहाँ लिखना है कुछ तो इस पे क्लिक कर दो, डिलीट है। जैसे कि मैं लिख सकता हूं ये है रील्स, ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही गाइस ये पूरा का पूरा एक एनिमेशन के अंदर है ये पूरी की पूरी टेक्स्ट वाली चीज, तो मैं इसको यहाँ थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ इस तरह, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ करता हूँ और मैं प्ले करता हूँ तो देखिए गाइस। सो ये इस तरह का आप इंटरेस्टिंग से टेक्स्ट डाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ टेक्स्ट डालना है, टाइटल, आपको कोई चीज पूरी लिखनी है, या फिर टाइम डालना है, या कुछ बबल टाइप, या फिर मैसेज जो हम देखते हैं वो डालना है, या फ्रेम डालना है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें हैं, लोकेशन भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्लिक कर लो। अब यहाँ डाल सकते हो आप माउंटेन्स लिख सकते हो। इस माउंटेन्स को मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा फॉन्ट जो है चेंज कर लूँ, तो मैंने ये फॉन्ट ले लिया। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर लूँ तो मैं कलर ले लेता हूँ यहाँ पे रेड। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में चाहिए तो हम यहाँ से कर सकते हैं,
बैकग्राउंड हटा दो, तो अगर आपको वर्ड आर्ट टाइप लेना है तो वो कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर बॉर्डर्स लगाने हैं और बॉर्डर्स का कलर आपको ये लेना है येलो टाइप, तो आप ऑरेंज टाइप इसको बढ़ा सकते हैं। बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ डालना है तो आप इसके यहाँ से डाल के ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कितना रखना है कितना नहीं। बाकी जो है कर्न में आप कितना स्पेस देना चाहते हैं वर्ड्स के बीच में आप वो भी कर सकते हैं। और ये करने के बाद आप यहाँ से इसको साइज अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। सो गाइस इस तरह कुछ आप कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ भी रियल वीडियो एडिटर के अंदर। गाइस नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे वो है कि हम की फ्रेम्स कैसे डाल सकते हैं। तो की फ्रेम्स के लिए गाइस आपको सबसे पहले, जैसे कि मान लो आपको, मैं इसी को ही लेके बताता हूँ एग्जांपल, जैसे कि हमने इसको इतना शॉर्ट किया था शुरू में। सो गाइस आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आना है, इस वीडियो पे क्लिक करना है जो आपने ओवरले किया था, ठीक है। आप इसकी की फ्रेम करना चाहते हो तो आप इसकी कर सकते हैं, नहीं तो आपने ऑलरेडी जो डाल रखे हैं उनकी भी की फ्रेम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन होगा की फ्रेम, यहाँ भी प्लस देख रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ड्रैग करना है। अब यहाँ पर आप कहाँ तक आप इसको की फ्रेम डालना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिक चाहता हूं कि ये ऑटोमेटिक इतना जूम हो जाए। तो गाइस ये जूम होने के बाद अब की फ्रेम को आपको यहां पर इतना लाए और ये की फ्रेम को यहां पर बस क्लिक करके छोड़ दो। तो प्ले करके देखते हैं कैसा होता है। ये गाइस देखिए ऑटोमेटिक जूम होकर आया। सो गाइस आप इस तरह कर सकते हैं की फ्रेम। अब मैं आपको कुछ थोड़ा और एग्जाम्पल देकर बताता हूं। जैसे आपको इस पे करना है तो यहां पर प्लस पे क्लिक कीजिए, प्लस पे यहाँ पर आपको यहाँ तक है तो आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये शॉर्ट यहाँ पर कर दीजिए इतने, तो आप ये चीज हो जाएगी। अब आप प्ले करके देखिए कैसे होता है ये चीज, ये अपने आप शॉर्ट हो गई। अगर आपको की फ्रेम जो आपने लगाया उसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए की फ्रेम पे और यहाँ माइनस कर दीजिए और इसी पे भी माइनस कर दीजिए, तो ये की फ्रेम जो है हमारी जो हमने लगाई थी वो हट चुकी है पूरी की पूरी। तो इस तरह आप वीएम वीडियो एडिटर के अंदर की फ्रेम लगा सकते हैं। सेकंड पार्ट भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा चैनल के ऊपर। और कोर्स अच्छा लगा हो तो फटाफट से कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको ये कोर्स, और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।